लॉकडाउन में दो सवारी बैठाने का नियम ऑटो चालकों पर भी भारी पड़ रहा है। ऑटो चालक सरकार की शर्तों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि शारीरिक दूरी का पालन करते हुए 30 रुपए के किराए पर केवल दो सवारी बैठाने से उनके डीजल का खर्च भी नहीं निकल पाएगा। ऐसे में परिवार का खर्च कैसे निकलेगा? इससे रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है। ऑटो चालकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उन्हें इन शर्तों पर थोड़ी रियायत दे, जिससे वे अपना घर चला सके। लॉकडाउन थी और समय से मैं ऑटो ठीक है बंद था, तो उस समय से हम ठीक है नहीं चला रहे थे। अभी सरकार ने ठीक है राहत दिए हैं, ऑटो चलाने के लिए अनुमति दिए हैं, तब से हम चला रहे हैं। पर क्या है ठीक है, डीजल का नहीं निकल रहा है, ना घर खर्चा नहीं निकल रहा है, ना हमारे लिए कुछ नहीं निकल रहा है। तो क्या है ठीक है, दोस्त सवारी चला रहे हैं, पर ठीक है नियम कानून के साथ चला रहे हैं। दोस्त सवारी बिठाने का भी बात किए हैं तो वो भी चला रहे हैं, पर लेकिन हमारे कोई ठीक है फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम कुछ ठीक है घर खर्चा के लिए नहीं निकल रहा है, ना राशन के लिए नहीं, ना ठीक है डीजल के लिए नहीं, ना हमको भी रोजी नहीं मिल रहा है। सरकार से निवेदन है कि हमको कुछ और मतलब थोड़ा ठीक है रियायत ठीक है मिला जाए, कि हमें थोड़ा और हमें ठीक है राहत मिले। हमारा परिस्थिति बहुत ख़राब है, हम लोग का रोजी रोटी नहीं निकल पा रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दो सवारी लेके हम चल रहे हैं। क्या सरकार क्या थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा ऑटो वाले की थोड़ा सा सोचे विचार करें। आ जाता है नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इतना डीजल जा रहे हैं और डीजल का ही कमाई नहीं हो पा रहा है। बराबर हो जा रहा है डीजल ही भी बराबर हो जा रहा है, 200-300 कमाने हो रहा है। डीजल डला रहे हैं 200 का, 200-300 में क्या चलेगा हमारा। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से निवेदन है कि हम लोग का थोड़ा सा क्या है, हम लोग अनुमति दी जाए सवारी बढ़ा के, 2-4 सवारी का दी जाए। टीसीपी 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से आनंद झा की रिपोर्ट।